आप बताइए क्या शेड्यूल है एफएम का, पूरे दिन कैसे रहेगा एफएम का शेड्यूल? देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद 8:15 बजे 8:15 के आसपास वित्त मंत्री अपने घर से निकलेंगी और उनके आसपास जो उनके वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी अपने अपने घर से निकलेंगे और फिर वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगे वित्त मंत्रालय और फिर बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है, एक लास्ट टच कैसे दिया जाएगा, बजट स्पीच पर नजर डालेंगी और फिर 9 बजे वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय के सभी सचिव वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 से निकलेंगे और वहां पे हमारी टीम रहेगी, आपको फोटो भी दिखाएगी, तस्वीर वहां पे बजट हाथ में लिए हुए बिल्कुल डिजिटल बजट होगा वो दिखाएंगे। उसके बाद वो जाएंगे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को बजट के बारे में ब्रीफ करने के बाद वो पहुंचेंगे सीधा 10 बजे संसद भवन और संसद भवन में पहुंचने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। एक कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाती है। कैबिनेट की बैठक के बाद करीब 10:30 पौने 11 बजे कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और फिर 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण लोकसभा में शुरू होगा और बहुत तक संभावना है कि 1 घंटे से लेकर 1 घंटे के 20 मिनट के आसपास तक के भाषण चलेगा, तो 12:30 बजे तक बजट भाषण खत्म हो जाना चाहिए और बजट भाषण के आखिरी हिस्से में टैक्स से जुड़े हुई बातों का ऐलान हो सकता है अगर हुआ तो, और बजट के शुरुआती हिस्सों में सरकार की थीम क्या है, सरकार की उपलब्धियां क्या है, इस पर फोकस रहेगा। जी लक्ष्मण, पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अभी ठंड की बजाय वहां पे बारिश हो रही है, तो बजट में भी कुछ ऐसी संभावना है कि कुछ अलग अनाउंसमेंट हमें देखने मिले? बिल्कुल, चूंकि ये चुनाव से पहले का बजट है, मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है, हालांकि लोग कह रहे हैं अंतरिम बजट है इसलिए कोई ऐलान नहीं होता है, लेकिन बता दूं कि अंतरिम बजट में भी ऐलान होता है, पहले भी हुआ है, तो जिस तरीके से बारिश अभी हो रही है तो कुछ वैसे ही बारिश, ऐलानों की बारिश वित्त मंत्री बजट में करें तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए आपको। और ये बारिश आपको जो है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए हो सकता है और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम बढ़ाए जाने की संभावना है, महिलाओं के लिए 2-3 खास योजनाओं का ऐलान हो सकता है जिसमें लाडली बहना स्कीम के तर्ज पर केंद्र सरकार कोई स्कीम लेकर के आए, इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम में कुछ फेरबदल सरकार करे, यहां पे कुछ राहत देते हुए सरकार देखे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी 12,500 करोड़ रुपए देने की संभावना है, तो इस तरह की संभावना है, तो इस बजट में ऐलानों की बारिश से पहले इस बारिश ने उम्मीदें जरूर जगा दी। जी लक्ष्मण जी, इसी के साथ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए सर। तो जी।